पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर डॉक्टरों का गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा है। एक बार फिर पश्चिम बंगाल सरकार के साथ डॉक्टरों की बैठक नहीं हो सकी। सरकार ने तीसरी बार डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया और खुलकर बोलने को कहा, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 घंटे तक निबन्ना के कॉन्फ्रेंस हॉल में डॉक्टरों का इंतजार करती रहीं। डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल बैठक के लाइव प्रसारण पर अड़ा रहा और नतीजा ये हुआ कि बैठक नहीं हो सकी। इसके बाद ममता बनर्जी ने कड़े शब्दों में कहा कि न्याय के लिए वह कुर्सी छोड़ने को तैयार है, लेकिन उन्हें विरोधियों को न्याय नहीं बल्कि कुर्सी चाहिए। दरअसल गुरुवार को ममता सरकार ने पत्र लिखकर डॉक्टरों को शाम 5 बजे चर्चा के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने अपने पत्र में बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी को लेकर डॉक्टरों की मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन इसने बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग के संबंध में उनकी शर्त को खत्म कर दिया और 30 प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल के बजाय केवल 15 को बैठक में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। कहा जाता है कि डॉक्टरों ने बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और निब्बान तक भी पहुंच गए थे। मुख्य सचिव के मुताबिक 15 की जगह 32 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल बैठक के लिए पहुंचा, जिसे अनुमति भी दी गई। बैठक की रिकॉर्डिंग करने का भी आश्वासन दिया गया, लेकिन डॉक्टर लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर झिझक रहे थे और कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर नहीं गए। बैठक के लिए ममता बनर्जी 2 घंटे तक हॉल में खाली कुर्सियों के बीच डॉक्टरों का इंतजार करती रहीं और फिर चली गईं। इस मामले में ममता बनर्जी ने नाराजगी जताते हुए कहा, हमने डॉक्टरों के साथ बैठक के लिए 2 घंटे तक इंतजार किया। हमने देखा कि उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हमने उनसे चर्चा में खुले दिमाग से आने को कहा। समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब बातचीत हो। उन्होंने कहा कि इससे पहले एक और मौके पर मैंने बातचीत में शामिल होने का इंतजार किया था। कोई बात नहीं, मैं उन्हें माफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वे बहुत छोटे हैं। हमारे पास मीटिंग रिकॉर्ड करने की पूरी व्यवस्था भी थी। सभी पारदर्शी और खुले होने पर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से रिकॉर्डिंग साझा करने के इच्छुक थे। मुख्यमंत्री का कहना है कि जब कोई मामला विचाराधीन हो तो हम इतनी बारीक बातों पर चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास कार्यवाही को रिकॉर्ड करने की सुविधा थी। मैंने तय किया था कि हम दिवंगत महिला के प्रशिक्षु डॉक्टर और सीताराम येचुरी की याद में एक प्रस्ताव पारित करेंगे, जो आज हमें छोड़कर चले गए। हम भी न्याय चाहते हैं, लेकिन मामला अब हमारे पास नहीं बल्कि CBI के पास है। हम लाइव प्रसारण के बारे में खुले विचारों वाले हैं, लेकिन इस मामले पर विचार होने के कारण कुछ कानूनी बाधाएं हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं सिर्फ कुर्सी चाहिए। मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बल्कि पीड़िता के लिए न्याय चाहिए। ममता बनर्जी के ये अल्फाज ये बयान करते हैं कि वो मामले को आगे ले जाना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल बंगाल का जो माहौल है उसने कश्मकश का एक लंबा दौर खींच कर रख दिया है। सभी लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका एक फैसला हो, ऐसा मुस्तकिल फैसला हो कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें सज़ा मिले, जो मुजरिम हैं उन्हें सज़ा मिले और ये मामला ख़त्म हो, डॉक्टर अपने काम पर लौट जाएं और वो लोग जो बीमारी के कारण डॉक्टरों का इंतज़ार कर रहे हैं, मौत के करीब जा रहे हैं, उन्हें सही इलाज मिल सके। लेकिन फिलहाल अभी डॉक्टरों और ममता बनर्जी के बीच समाधान होता नहीं दिख रहा है, दोनों के बीच बातचीत के लिए कोई रास्ता नज़र आता नहीं दिख रहा है। फिलहाल आप इंतज़ार करें, शायद कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि दोनों ही आपस में मिलकर इस मामले को सुलझा सकें। लेकिन फिलहाल आप अपनी खबरों के लिए देखते रहें सहारा, समय का, समय डिजिटल।